आप इस वीडियो में देख सकते हैं अलाहदा तेलंगाना रियासत तहरीक के जहदकार डॉक्टर चिरंजीवी चल बसे। हिंदुस्तान भर में तेलंगाना में सबसे ज्यादा पौधे लगाए गए, प्रकाश जावड़ेकर का बयान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के MBA थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट्स हुए जारी और कुवैत में लगा नाइट कर्फ्यू। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन अपडेट्स। तेलंगाना के सरकर्दा जहदकार डॉक्टर चिरंजीवी चल बसे। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए 1969 में चलाई गई तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने वाले डॉक्टर के चिरंजीवी मुख्तसर अलालत के बाद हैदराबाद के एक दवाखाने में चल बसे। उनकी उम्र 74 ईयर्स थी। वरंगल ज़िले के रहने वाले चिरंजीवी ने तलबा कायद के तौर पर इस तहरीक में सरगर्म रोल अदा किया था। वो उस वक्त काकतिया मेडिकल कॉलेज से MBBS की तकमील कर रहे थे। इन्हें बाद अज़ां तेलंगाना मूवमेंट फाउंडर्स फोरम इन 1969 का कन्वीनियर बनाया गया था। इनकी मौत पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी की ज़िंदगी समाज के लिए नमूना थी, क्योंकि वो एक अहल डॉक्टर भी थे जिन्होंने समाज के बहबूद और बेहतरी के लिए काम किए थे। चीफ मिनिस्टर ने उनके गमजदा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। TRS के कारगुजार सदर के तारक रामा राव, रियासती वज़रा हरीश राव, ई राजेंद्र के अलावा तेलंगाना के बेशतर जहदकारों ने भी उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। रियासती हुकूमत ने हाल ही में डॉक्टर चिरंजीवी के इलाज के लिए माली मदद की थी। मुल्क भर में सबसे ज्यादा पौधे तेलंगाना में लगाए गए। मुल्क भर में सबसे ज्यादा पौधे तेलंगाना रियासत में लगाए गए हैं। मरकज ने आज राज्यसभा में ये बात बताई। एवान बाला के रुकन चंद्रशेखर की जानिब से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर जंगलात व माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुल्क भर में 150 करोड़ 23 लाख पौधे लगाए गए हैं। इनमें सिर्फ तेलंगाना रियासत में 38 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में जंगलाती इलाके में इजाफा करने के लिए हुकूमत ने हरिता हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी का प्रोग्राम शुरू किया है। सरसब्जी और शादाबी का ये प्रोग्राम 2015 में शुरू किया गया था। रियासत भर में सालाना करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के MBA थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने MBA थर्ड सेमेस्टर CBCS प्रोग्राम के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया है। कंट्रोलर एग्जामिनेशंस उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करता प्रेस नोट में बताया गया कि ये रिजल्ट्स वेबसाइट www.usmania.ac.in पर दस्तियाब हैं। कंट्रोलर एग्जामिनेशंस ने मुतल्लिका तलबा को मशवरा दिया कि वो मस्कुरा वेबसाइट पर अपने रिजल्ट्स मुलाहजा कर लें। कुवैत में एक महीने के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज। कुवैत ने इतवार 7 मार्च से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रात के वक्त मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज किया है, जो 8 अप्रैल तक 30 रोज तक जारी रहेगा। कुवैती जरीदे अलकबुस के मुताबिक कुवैती वजीर आजम सबाहुल खालिद ने कर्फ्यू के तरीक़ेकार पर अमल दरामद के लिए तमाम सरकारी इदारों के आला अहदेदारों का इजलास बुलाया था, जिसमें इस अमर पर जोर दिया गया कि तमाम इदारे कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे से तआवुन करें, कर्फ्यू के निफाज में लापरवाही ना बरतें और इसके हदफ को यकीनी बनाएं। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया कि अगर कुवैत में वबा पर काबू पा लिया गया तो ऐसी सूरत में कर्फ्यू का 30 रोज़ा दौरानिया कम किया जा सकता है। कुवैती काबीना कर्फ्यू पर अमल दरामद की राह में पैदा होने वाली रुकावटों और ज़रूरतों पर बहस के लिए वसीउल बुनियाद सरकारी इजलास मंगल को मुनक्किद करेगी। कुवैत ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था कि मुल्क में COVID-19 के नए 1318 मुसद्दिखा मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जिससे मुतासरीन की कुल तादाद 19,94,028 हो गई है। कुवैती काबीना ने जुमेरात के इजलास में गैर मुल्कियों की कुवैत आमद पर पाबंदी में तौसी और कर्फ्यू के औकात के दौरान नमाज की इजाज़त का फैसला किया था। काबीना ने तमाम पब्लिक पार्कों, तफरी गाहों और आवाम बैठकों को बंद करने का भी हुक्म जारी किया है।